जी नमस्ते शर्मिला दीदी, तारा जी नमस्ते भैया, तारा प्रसन्ना भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते, आप सभी सभी को। का नमस्ते धन्यवाद इस सत्र के लिए और स्वागत है हिंदी सत्र में। जी शर्मिला दीदी नमस्ते, वेलकम। तो अब हम शुरुआत कर सकते हैं हिंदी सत्र की। हम अभ्यास 2 कर रहे हैं जिसमें कि हम खुद के द्वारा अपने आप अपने में शरीर में क्या चल रहा है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो हमारा शरीर के साथ आदान प्रदान है, मैं चैतन्य का शरीर के साथ आदान प्रदान है, उस पर ध्यान दे रहे थे। और जैसे जैसे ये स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं हम ये देख पा रहे होंगे कि शरीर के माध्यम से हम बाहर क्या चल रहा है उस पर भी ध्यान दे सकते हैं और देते ही हैं, लेकिन उसके प्रति सजग होने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभ्यास 2 में अगर हम क्विकली ये स्टेप्स के थ्रू जाएं, तो अभ्यास 2 में स्टेप 1 में हम ये देख रहे थे कि मैं हूँ, मुझे मालूम होता है कि मैं हूँ क्योंकि मैं अपने अंदर चल रही क्रियाओं को देख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। मेरे अंदर आशा विचार इच्छा चल रहा है और मैं उसको देख पाती हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि मैं हूँ। शरीर है ये भी मुझे दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? शरीर में हो रही संवेदनाओं के तहत शरीर में कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं, मैं किसी संवेदना को पढ़ती हूँ, उससे मुझे पता चलता है कि शरीर है। वरना तो बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि मैं अपने अंदर ही व्यस्त हूँ, अपने अंदर ही जो कल्पनाशीलता चल रही है उसी में बह रही हूँ और मुझे इसका भी ध्यान नहीं रहता कि शरीर है। लेकिन जब हम सजगता से देखते हैं तो ये दिखाई पड़ता है। तो ये हम देख रहे थे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हम देखने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो मेरे और शरीर के बीच में आदान प्रदान हो रहा है इसमें क्या हो रहा है। तो मैंने शरीर को कुछ संकेत दिया। संकेत एक सूचना है। शरीर में बहुत सी संवेदनाएं उठी, मैंने किसी संवेदना को पढ़ा, ये भी एक सूचना है। तो संकेत जो जा रहा है मेरे से शरीर की तरफ वो भी एक सूचना है। संवेदना, मैं शरीर में उठ रही संवेदनाओं को मैं पढ़ रही हूँ, ये भी एक सूचना है। तो जो भी ये आदान प्रदान हो रहा है मेरे और शरीर के बीच, ये सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, कुछ फिजिकल कुछ भौतिक रासायनिक ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ये सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि मुझे शरीर में हो रही घटनाओं के बारे में पता चल रहा है और मैं शरीर को कुछ संकेत दे रही हूँ। स्टेप 3 में हम देख रहे थे कि ये सब जो आदान प्रदान हो रहा है मेरे और शरीर के बीच, इसका निर्णय कौन ले रहा है। तो हमने ये भी देखा कि बहुत कुछ शरीर में चल रहा है, कौन सी संवेदना कब पढ़नी है ये निर्णय मेरा है। मैं निर्णय लेती हूँ कि मैंने कौन सी संवेदना को पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है। जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगता है वो मैं उस संवेदना को उस समय में पढ़ती हूँ और दूसरों को छोड़ देती हूँ, नहीं पढ़ती। इसी तरह मैंने शरीर को कुछ संकेत दिया। शरीर अपने आप कुछ नहीं कर पाता, मीन्स चल फिर नहीं सकता। मैंने शरीर को कुछ संकेत दिया, शरीर ने वैसा ही किया, निर्णय मेरा हुआ। मैंने निर्णय पूर्वक कुछ संकेत दिया और शरीर में फिर वो एक्टिविटी हुई। अब इस सारे प्रोसेस में आई थिंक स्लाइड्स स्लाइड्स नहीं दिख रही हैं परीक्षित जी, चलो उसको देखें। तो
ये सब प्रोसेस में निर्णय तो मेरा ही है। इस निर्णय से मुझे ये मालूम होता है, ये दिखेगा कि शरीर तो केवल मेरे साधन का काम कर रहा है, निर्णय तो मैं लेती हूँ, देखने वाली मैं हूँ, बाहर से कुछ सूचना लेनी है, कौन सी सूचना लेनी है वो भी निर्णय मेरा है। तो हर प्रोसेस में, हर ये आदान प्रदान में हमें दिखेगा कि निर्णय तो मेरा ही है। शरीर में कुछ दर्द उठा, मैंने उसको पढ़ा, निर्णय मेरा है। दर्द ज्यादा हुआ तो भी आप उसको बारीकी से देखेंगे तो मैं बाध्य नहीं हूं कोई भी ना ये संवेदना को पढ़ने के लिए। अगर अपने अंदर क्या चल रहा है उस समय उसको देखेंगे तो दिखाई देगा मेरे लिए वो महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैंने उस संवेदना को उस समय पढ़ा। अगर मेरे लिए उस समय कुछ और महत्वपूर्ण ज्यादा था तो मुझे वो संवेदना मैंने ही नहीं। तो ये हम देख रहे थे स्टेप 3 में। स्टेप 4 में हम देखने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो संवेदनाएं मैं पढ़ रही हूँ, क्या मैं इस संवेदना में हूँ, क्या मैं संवेदना हूँ, या क्या मैं संवेदना से भिन्न हूँ। इस पर भी हमने काफी समय बिताया और हमें दिखा कि मैं संवेदना से भिन्न हूँ। स्टेप 5 में हमने देखा कि ये जो संवेदनाएं हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं शरीर शरीर में हो रही संवेदनाओं को, तो ये संवेदनाएं कहाँ से आ रही हैं, इनका स्रोत क्या है। तो हमने 4 स्रोत की बात कही थी, 2 जो बाहर से हैं, बाहर से किसी और मनुष्य के व्यवहार के तहत किसी ने कुछ कहा, वो ध्वनि मेरे शरीर के कानों तक पहुंची, कुछ संवेदना उठी ना उस प्रभाव से, कुछ शरीर में संवेदना उठी, वो एक संवेदना का स्रोत हो सकता है जो उसको मैं पढ़ सकती हूँ। सिमिलरली बाहर से आने वाली, जहाँ मनुष्य भी इन्वॉल्व ना हो लेकिन बाहर का तापमान कुछ है ना, सर्दी है, गर्मी है, अभी बारिश का मौसम है, पानी की बूंदें गिरती हैं, इस तरह बाहर से भी कोई भी जो भौतिक रासायनिक घटना घट रही है उसके तहत भी शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ता है, उससे कुछ संवेदना उठती है जिसको मैं पढ़ पाती हूँ। ये 2 स्रोत हमने बाहर के देखे थे, भौतिक रासायनिक घटनाएं और किसी मनुष्य के व्यवहार के तहत। फिर एक स्रोत ये भी हो सकता है कि जो शरीर में ही बहुत सी घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि हमने बात करी थी भोजन पचाने की क्रिया, या ना ब्लड सर्कुलेशन है, या दिल की धड़कन है, जो भी है उसके तहत भी कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं जिनको मैं पढ़ पाती हूँ। और चौथा स्रोत जिसकी बात करी थी कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है, हमारी कल्पनाशीलता में कोई भाव, कोई विचार चल रहा है और इसको ध्यान देंगे तो पूरा समय कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, उसका भी प्रभाव शरीर पर पड़ता है जिसके कारण शरीर में संवेदना उठती है और उसको भी मैं पढ़ पाती हूँ। तो ये 4 स्रोत की बात, 2 बाहर है, बाहर से उनका स्रोत है, एक जिसका शरीर के अंदर हो रही घटनाओं से वो संवेदना उठती है, और एक वो जो मेरे अंदर कुछ चल रहा है उसके तहत उसके प्रभाव से शरीर में संवेदना उठती है। तो इन 4ों को अलग अलग करके हम देखने का प्रयास कर रहे थे। और कल जो हमने गृह कार्य दिया था उसमें ये था कि हम ये जो 4 स्रोत
के प्रति सजग होने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम देखें कि जब हम इन स्रोतों से जो संवेदनाएं शरीर में उठती हैं उन पर हमारा ध्यान जाता है, तो हम संवेदना का आस्वादन करते हैं और उसको कुछ अर्थ देते हैं। ये अर्थ जो हम देते हैं अल्टीमेटली हम देखेंगे यही डिसाइड करता है कि हम इस सब से सुखी होंगे या दुखी होंगे। अक्सर हम सोचते हैं संवेदना आई उससे मुझे दुख हुआ, लेकिन इसको और बारीकी से देखें। संवेदना थी, मैंने निर्णय पूर्वक उसको पढ़ा, उसको पढ़ के मैंने कुछ अपने अंदर अर्थ दिया और उसके तहत जो मैंने अर्थ दिया उसके तहत मेरा भाव विचार चला और उस भाव से मैं सुखी या दुखी हुई। तो इस चीज को हम देखने का प्रयास कर रहे थे कल। अगर आप ये कर पाए तो आपके ऑब्जर्वेशंस अभी ले सकते हैं। नमस्ते दीदी, मेरी आवाज आ रही जी आ रही है। जी? दीदी मेरा एक तो ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जैसे जब मैं बैठ के कल सोचने की कोशिश कर रहा था संवेदनाओं को, तो मेरे पास दो तरह से आ रही थी बाहर से। एक तो जैसे पंखे की आवाज है और एक कोई आदमी कोई बोल रहा है, तो मेरा ध्यान इस बात पे गया कि टेक्निकली दोनों चीज एक ही है। मेरे कान पे कुछ वाइब्रेशन है और उनको मैं रीड कर रहा हूँ, लेकिन उनको मतलब तो मैं ही दे रहा था। जैसे पंखे की आवाज जो आ रही थी, हवा जो भी आ रही थी, तो उसको मतलब तो मैं ही दे रहा था। और कोई मानो कोई भाषा बोलता है या कोई उस तरह से आती है, तो उसको मैं सेंस करके, तो यानी कि वो निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ और उसका जो भी संवेदना है उसका मतलब तो मैं ही निकाल रहा हूँ। एक तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई। दूसरा है जी दीदी, इसमें कुछ कहना है आपको? ये सही है या इसमें कुछ ठीक करना है? नहीं ठीक है, ठीक जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल भी दिखेंगे, बट ये बढ़िया है। ठीक है। जी। अब दीदी एक प्रश्न ये है कि जो चार सोर्स हैं संवेदनाओं का, इसमें से जो चौथा है यानी कि जो मेरे अंदर के जो भाव विचार चल रहे हैं, उसका जो शरीर पे, शरीर की संवेदनाओं पे जो प्रभाव है, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, एक ये पीछे वाली स्लाइड ही लगा दे, इससे पहले जो अभी लगी हुई थी उसी से प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। उसमें एक्चुअली एक कंफ्यूजन हो जा रहा है। क्या कंफ्यूजन है? जैसे इसमें फोर्थ में ये लिखा हुआ ना कि अपनी जो कल्पनाशीलता है, हाँ, इससे उत्पन्न हो रही संवेदनाएं, अब संवेदनाओं में लिखा हुआ है शांत भाव, परेशानी और बेचैनी, तो ये संवेदना तो शरीर में होगी ना, ये तो सेल्फ की बात हो रही है, तो ये मैं थोड़ा इसमें बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। जैसे मेरी कल्पनाशीलता में जो चल रहा है, ये भाव, परेशानी, बेचैनी तो सेल्फ में है, संवेदनाएं तो शरीर में है ना, तो संवेदनाएं के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है शांत भाव, परेशानी, बेचैनी, क्या ये ठीक है या मैं समझने में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ? कृपया इसको स्पष्ट करना हाँ, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जी। मेरे अंदर कुछ कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? मेरे अंदर कोई भाव है, कोई विचार चल रहा है ना? ध्यान दे तो हम इसको देख पाते हैं। ठीक है ये जी बात? जी बिल्कुल ठीक है, ये दिखता है जी, तो मेरे अंदर मैं शांत हो सकती हूँ, मैं परेशान भी हो सकती हूँ, मैं दुखी भी हो सकती हूँ, मैं विरोध में हो सकती हूँ। बहुत सी पॉसिबिलिटीज है ना? मेरे अंदर जो भी ये चल रहा है उसका भी शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ता है और उसके तहत शरीर में कोई संवेदना उठती है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि मुझे कुछ घबराहट है, सपोज, है ना, मैं घबरा रही हूँ, उसके तहत मेरा कुछ ऐसा ही विचार चल रहा है, अरे क्या होगा, कुछ बच्चा अभी बाहर गया था, अभी वापस नहीं आया, इतनी देर हो गई, मैं घबरा रही हूँ। ठीक है, इसका भी शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ेगा और मैं ध्यान दूं तो मैं शायद नोट कर पाऊँ उस प्रभाव से जो संवेदना उठ रही है उसको भी मैं पढ़ सकती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाथों में पसीना आ रहा हो, अच्छी भली ना मौसम अच्छा है, इतनी कोई गर्मी नहीं है, लेकिन मेरे हाथों में बहुत पसीना आ रहा है,
मेरा ध्यान उस पर गया, फिर मुझे ध्यान आया कि ये क्यों आ रहा है। हाँ, मेरे अंदर ये सब परेशानी, ये सब है ना घबराहट थी, इसके तहत कुछ शरीर पर प्रभाव पड़ा और इसलिए ये संवेदना उठी। ये क्लियर है? जी, ये तो बिल्कुल क्लियर है। जब परेशान होते हैं तो अपनी सांस की जो गति है वो भी बढ़ जाती है, और जो आप बता रहे हैं वो सिम्टम भी पहले तो महसूस किए ही हैं। लेकिन जैसे जब मैं एक्सरसाइज करने बैठता हूँ तो उस समय मान लीजिए मेरे अंदर कोई वैसा भाव विचार नहीं है परेशान करने वाला, तो फिर ये चीजें तो नहीं दिखेंगी। ये तो फिर उसी समय ध्यान देना होगा ना, जब परेशान होते हैं उस समय। हाँ, मतलब इन सब का प्रभाव पड़ता है, इसको हम दिन भर में देखें, ऐसी बात हुई थी ना। हाँ दिन भर में कभी भी क्या होता है कि बहुत बार ये हो सकता है कि ऐसे हमारे अंदर विचार, भाव विचार चल रहे हैं, हम उनके प्रति सजग नहीं हैं तो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम सजग हैं तो दिख जाएगा। दिन भर में हमारे भाव में कितने सारे उतार चढ़ाव होते हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ चलता है ना। देर हो रही है, हम काम पे जा रहे हैं, देर हो गई, हाँ, रास्ते में ट्रैफिक में किसी कोई सामने आ गया, हमारे अंदर विरोध का भाव उठा, ये सब चीजें हैं ना। धीरे धीरे हम ध्यान देंगे तो ये सब दिखेगा, और हर क्षण जो हमारा भाव है, जो भी बदल रहा है, उन सब का प्रभाव शरीर पर कुछ ना कुछ तो पड़ ही रहा है, तो हमारा ध्यान उस पर जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सजगता बढ़ेगी, वैसे वैसे ये और अच्छे से क्लियरली दिखेगा। ठीक है दीदी। वो मैं एक्चुअली मैंने क्या अभी कर रखा है कि वो जो मैं 1 घंटे आधे घंटे सुबह जब प्रयास करता हूँ उसी में रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। जब इसको पूरे दिन में फैलाएंगे तो वो चीजें दिखेंगी। ठीक है, सही थैंक बात। यू। थैंक यू। हाँ, ये जो हम गृह कार्य सबके लिए रख रहे हैं, इस पर सभी ध्यान दें कि इसको दिन भर करना है। क्या होता है कि हम आधा घंटा जिस समय हम बैठ के ये एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह के समय, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा हिंदी, कई लोग 2-2 घंटा भी सुन रहे हैं, उस समय हम उस चीज को पैसिवली सुन रहे हैं, कभी कभी सजग भी हो रहे हैं क्योंकि उसकी बात हो रही है तो हमारा ध्यान उस पर जा रहा है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। दिन भर में हम देखेंगे तो हमारे भाव विचार में बहुत बदलाव आते रहते हैं, हमारा भाव बदलता रहता है और हम उससे सुखी दुखी भी होते रहते हैं, लेकिन अगर हम सजग नहीं हैं उस समय, उस क्षण जब ये हो रहा है, तो हमें इसका पता नहीं चलता। अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगता है कि मूड खराब है। ये मूड खराब क्या मतलब हुआ? अगर उस पर ध्यान जाएगा तो दिखेगा कि कोई भाव था, हमने कुछ माना हुआ था कुछ चीज, उसके तहत हमारा कुछ भाव बना था, वो भाव के तहत हमारे कुछ विचार चले और ये सब हमारे अंदर कुछ टाइम चलता रहा, लेकिन हम उसके प्रति सजग नहीं है, हमें बस लगा हमारा मूड खराब है, मेरे से अभी बात मत करना, मेरा मूड खराब है, ये तो मेरे अंदर चल रहा है। इसके प्रति भी सजग हो, अभ्यास 1 में हम यही पूरा कर रहे थे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति हम सजग हों, अपने भाव के प्रति सजग होंगे तो हम भाव को अपनी सहज स्वीकृति के लाइन में ला सकते हैं। अगर भाव ही नहीं, भाव के प्रति ही सजग नहीं होंगे तो चांस की बात है भाव सेहत स्वीकृति के लाइन में है तो हम आराम में हैं, नहीं है तो हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो ये सब चलता रहता है। और अब हम देख रहे हैं कि इन सब का हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता ही है। जब हम आराम में हैं तो शरीर अपनी व्यवस्था के तहत चलता रहता है, जब हम परेशान हैं, हमारे अंदर कोई ऐसा भाव उठता है जो हमारी सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं है, इसका भी प्रभाव पड़ता है शरीर पर और उसकी व्यवस्था में डिस्टरबेंस करते हैं हम, वो जो हार्मनी है शरीर की वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहेंगे अपने ऑब्जर्वेशन? कल ये जो गृह कार्य किए दिया था, इस पर अगर कोई बात करना चाहेंगे।
बात ये हो रही थी कि हम ये पूरे आदान प्रदान को थोड़ा और गहराई से देखें कि जब कोई भी संवेदना हम पढ़ते हैं शरीर में हो रही कोई भी संवेदना को हम पढ़ते हैं, उसको देखें कि इसका सोर्स क्या था, ओरिजिन क्या था, कौन सा स्रोत था, कहाँ से आ रही है। और जब हम ये देखें तो ये भी देखें कि जब मैंने उसको पढ़ा मैंने कुछ तो अर्थ दिया, वो अर्थ क्या था उसको देखें। और ये दिखेगा कि मैंने कुछ अलग ना, कैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से या मेरे अंदर कुछ चल रहा है उस हिसाब से मैं अलग-अलग अर्थ देती हूँ। संवेदना वही होगी, अर्थ मैंने कुछ और दे दिया। जैसे कि घर में बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे स्पाउस के माता पिता हैं, मेरी माँ ने कुछ कहा, वो शब्द जो कहे उसकी ध्वनि मेरे शरीर के कानों तक पहुंची, उससे कुछ प्रभाव हुआ, संवेदना उठी, मैंने उसको पढ़ा। मेरे हस्बैंड के माता ने भी कुछ ऐसा ही कहा, शब्द कुछ कुछ वैसे ही थे, उससे भी शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ा, संवेदना उठी, मैंने उस संवेदना को पढ़ा। अब ये मोर और लेस सेम सिचुएशन है, सिर्फ बात कहने वाला कोई और है, लेकिन बात मोर और लेस सेम है। अब आप देखेंगे कि हो सकता है मेरी माँ ने जब वही चीज कही मैंने उसको एक तरह का अर्थ दिया, और मेरे हस्बैंड की माँ ने जब वही बात कही तो मैंने उसको कुछ और अर्थ दिया। ऐसा होता है क्या? आप अपने चैट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं कि ऐसा दिखने को आया क्या कभी, या हमारे बच्चों में एक बच्चे ने कुछ कहा हमने उसके बारे में कुछ ना कुछ उसको अर्थ दिया, दूसरे बच्चे ने वही बात कही हमने कुछ और अर्थ दिया। या फिर सुबह के समय हम फ्रेश हैं काम पे जा रहे हैं, एक घटना घटी बाहर कुछ हुआ, उसके तहत शरीर में कुछ संवेदना उठी, मैंने उसको पढ़ा, मैंने एक तरह का अर्थ दिया, मैं आराम में रही। शाम को हम थके हारे घर वापस लौट रहे हैं, उसी तरह की परिस्थिति आई, शरीर में संवेदना उठी, अब मैंने उसको कुछ और अर्थ दिया, और उसी बात से मैं परेशान हो गई। परिस्थिति कुछ कुछ सिमिलर ही थी, जो बाहर से घटना हो रही थी वो सिमिलर ही थी और उसका प्रभाव भी सिमिलर ही पड़ रहा था शरीर पर, बट मैंने उसको क्या अर्थ दिया उससे तय हुआ कि मैं सुखी हुई या दुखी हुई। इस बात को अगर हम देख सकते हैं तो, और कुछ शेयरिंग करना चाहें तो उसको हम रख सकते हैं। जी दीदी नमस्ते। नमस्ते सभी को। दीदी आवाज़ ठीक से आ रही है? थोड़ा बाहर जी घूम रहा था बिल्कुल इसमें। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। जी 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 थैंक यू। बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है और आजकल तो ये क्या बोलते हैं, मेरे 2 घंटा दिन भर देखते रहना। तो दीदी इसमें मैं एक देख पा रहा हूँ, ये जो 4 स्टेप है, स्टेप नंबर 5 की बाहरी संवेदना है, इंसान का व्यवहार है, पर्यावरण प्रभाव है और अपनी कल्पनाशीलता। तो अगर मैं ये देखना चाहिए अभी दोस्तों साहब का, कि मुझमें ये भाव पहले थोड़ा सा था ही कि बाहर कोई कुछ भी इंसान मुझसे व्यवहार कर रहा है, तो अपना कल्पनाशीलता में जो शांत भाव जो दिख रहा है उसी से चलना। लेकिन आगे मैं देख रहा हूँ कि ऑल द टाइम ये बढ़ते जा रहा है। तो दीदी मतलब ये मेरा संस्कार है कि धीरे धीरे और थोड़ा सा
आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है, कनेक्शन भी शायद टूट। ठीक है, ज्वाइन करेंगे शायद वापस से। तब तक कोई और शेयर करना चाहे, कल ये जो गृह कार्य हुआ था इसको अगर हम कर पाए, कुछ शेयरिंग रखना चाहें या कुछ प्रश्न है तो वो भी डिस्कस हो सकता है के बारे में। दीदी नमस्ते, सभी को नमस्ते। दीदी नमस्ते। जहाँ तक मैं सेल्फ ने इस बात को देखा कि कल मैं लेजर कराने गई थी, मेरे कुछ प्रॉब्लम था फेस पर, तो जैसे ही उन्होंने लोकल लगाया तो लोकल की भी मैंने, मेरे को ऐसे लगा अगर मैं उसको ध्यान दे रही थी, तीन लोकल लगाए थे उन्होंने, फर्स्ट लोकल को मेरे को पता नहीं चला क्योंकि मेरे को, मैंने सिरिंज नहीं देखा था, तो जब मैंने सिरिंज देख लिया तो फिर मेरे दिमाग में वो सिरिंज एकदम से आ गया, और जैसे सेकंड लोकल लगाया तो वो उस संवेदना को मैं पढ़ पाई, और फिर उसके बाद जब फेस पे उन्होंने लेजर करा तो मैंने कहा अब मैं इसको रीड नहीं करूंगी, तो फर्स्ट फिर वैसे ही हुआ, फर्स्ट वाला मैंने रीड नहीं करा क्योंकि मैंने वो उनका इंस्ट्रूमेंट टूल नहीं देखा था, सेकंड मैंने टूल देख लिया तो फिर वही इमेजिनेशन चलने लगी, तो वो मैंने रीड करा और वो पता चल रहा था कि हाँ लेजर से वो रिमूव कर रहे हैं उसको, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। और हम लोगों ने अगर UHV के माध्यम से हम लोगों ने चार संवेदनाओं को देखा है, पहली एक तो शरीर के अंदर चार स्रोत संवेदनाएं स्रोत, तो पहुंचती है ना, हाँ, ओरिजिन कहाँ पूरी से आ बॉडी रही में है? जी जी संवेदनाएं हैं, चार स्रोत हैं जिसमें एक तो शरीर के अंदर होने वाली संवेदनाएं, फिर शरीर के बाहरी होने वाली संवेदनाएं जिसमें स्मेल, टच और साइट और फॉर्म, ये पांच है, और फिर उसके बाद किसी के बिहेव, किसी ने कुछ कहा उससे भी मेरी इमेजिनेशन में जो बना और उससे मैं जो रिएक्ट हुई, तो वो भी संवेदनाओं के, उसको भी मैंने जब मैंने इमेजिनेशंस में रीड करा, तो ये जो इमेजिनेशन एक जो सेल्फ का पावर है, उसको जो हमने निर्णय लिया पढ़ के, जो निर्णय लिया तो उसी से ही हम उसको देख पा रहे हैं कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये जो निर्णय लेने का है ये सारा सेल्फ का है, और इमेजिनेशंस में ये उसकी पावर्स में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कई बार शरीर की भी, जैसे अभी आपने बताया कि शरीर की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता चलता है कि हम बिना शरीर के भी कुछ संवेदनाओं को हम रीड कर सकते हैं जो हमारी इमेजिनेशंस में हो, तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। जी संवेदना कहाँ उठ रही है? शरीर में उठ रही है, पर इमेजिनेशंस में भी हम कभी इमेजिनेशंस कर लेते हैं तो उससे भी हमारी संवेदनाएं शरीर पर प्रभावित होती, ये सही नहीं, है ना दीदी? देखिए इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। संवेदनाएं जी 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 शरीर में उठ रही हैं, ठीक है, ये है ना। ठीक है, कल्पनाशीलता कहाँ चल रही है? सेल्फ सेल्फ में, में, मुझ में चल रही है ना। अब शरीर में संवेदना है और हाँ मैंने संवेदना को पढ़ा, जी, मतलब निर्णय मेरा लिया, ध्यान संवेदना पर गया, ठीक है ये। हाँ ये ठीक है, सही है दीदी, हम लोगों में ना प्रोनाउंसिएशन और लैंग्वेज में भी फर्क आने लगा, हाँ नहीं, क्योंकि ना वो हाँ जैसे जी उसको समझेंगे और थोड़ा बारीकी से उसको खोल खोल के देखेंगे तो और क्लैरिटी बनेगी कि हो क्या रहा है ना। तो हाँ कुछ संवेदनाएं हैं, सबसे पहले तो हम देखें कि कितनी सारी संवेदनाएं हैं शरीर में, है ना। मैं गिनी चुनी कुछ संवेदनाओं पर मेरा ध्यान जाता है, ठीक है ना। अब ये जो ध्यान जाना है, ये भी मैंने जो इसको महत्वपूर्ण माना है उसी पर मेरा ध्यान जाता है। हाँ निर्णय मेरा है निर्णय तो मेरा है ही, लेकिन
वो निर्णय मैं कैसे ले रही हूँ, ऐसे कि मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगता है उस समय मैं उसी पर ध्यान देती हूँ, बाकियों बाकी संवेदनाएं भी हैं, है ना, मैं उन पर ध्यान ही नहीं देती, मेरा उन पर ध्यान नहीं जाता, ठीक है ना। ये बात जैसे कि अभी आप बैठे होंगे, हैं जी आप, मैं कुछ बात कह रही हूँ, है ना, जी मैं जो बात कह रही हूँ उससे जो ध्वनि है आपके शरीर के कानों तक पड़ रही है, उससे कुछ संवेदना उठ रही है, उस पर आपका ध्यान जा रहा है ना। जब वो ध्यान जाता है आपका उस संवेदना पर, तो आप उसको कुछ अर्थ देते हो, है ना, आप वो भाषा जी समझते हो जो मैं बोल रही हूँ, है ना, मेरा कुछ टोन ऑफ वॉइस होगा, उससे भी आपने उसको कुछ अर्थ दिया, है ना। जी तो ये सब मिल मिला के आपके अंदर हो रहा है। अब शरीर में तो सिर्फ संवेदना उठी, है ना, फिर बहुत सी उसको अर्थ संवेदना, दिया मैंने, तो फिर मैंने पढ़ा, निर्णय मैंने पूर्वक पढ़ा, मैंने अर्थ दिया, है ना, फिर उस अर्थ के तहत मेरे अंदर कुछ भाव विचार चलते हैं, कुछ ना मैं सुखी दुखी होती हूँ, वो आगे हम देखेंगे, बट इस प्रोसेस को थोड़ा तार तार करके देखना पड़ेगा, ठीक है ये। हाँ दीदी, जैसे अभी जो थोड़ी सी स्टीम लगने पर मैंने उसको अर्थ दिया कि इतनी स्टीम होने पर कुछ नहीं होने वाला, इससे ज्यादा स्टीम होने पर स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो भी अर्थ और समझ दोनों अगर होते हैं तो फिर निर्णय मैं लेता हूँ। तो वो भी एक चीज, उससे भाई अगर ज्यादा स्टीम हो जाएगी तो वो बॉडी को हार्म कर सकती है। तो ये मेरी समझ बढ़ गई कि इतनी स्टीम तक सही है और इससे ज्यादा स्टीम होने पर स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है और उसका सुख और दुख का निर्णय फिर मैं लेती। ये सही है ना दीदी, जब मैं अर्थ देती हूँ देखिए सुख और दुख का निर्णय मैं लेती। देखिए, निर्णय तो मेरा ही है हाँ ना, जी बस इतना है कि हम उसके प्रति सजग हैं या नहीं। जब हम सजग नहीं होते हैं तो हमें ये दिखता नहीं कि निर्णय मेरा है हाँ, ना। बहुत फास्ट निर्णय फास्ट में भी कुछ चेंज हो होता है गया ना। कुछ, हाँ हाँ वही, बहुत तेजी से कुछ कुछ होने लगता है तो हमें लगता है हाँ कि ये क्या हुआ, इसमें मैंने हाँ तो किया कुछ ही नहीं है ना, ही ये नहीं। हाँ रिफ्लेक्स एक्शन की और ये सब के ना, कोई आवाज आई है ना, और मैं एकदम घूम के मुड़ के देखी ये कहाँ से आवाज आई, है ना। अब इसको भी, इस प्रोसेस को भी थोड़ा खोल के देखेंगे तो जी पीछे से कहीं से कुछ जोर की आवाज आई, हाँ जी वो ध्वनि मेरे शरीर के कानों तक पड़ी। जी जब वो मेरे कानों तक पड़ी, मैंने निर्णय पूर्वक उसको पढ़ा, वो पढ़ा अर्थ दिया। जो संवेदना उठी उससे मैंने उसको निर्णय पूर्वक पढ़ा। संवेदना कहाँ उठी? शरीर में। पढ़ा किसने? मैंने। तभी पीछे मुड़ के देखा। हाँ, अभी पीछे मुड़ के तो बाद में देखेंगे, पहले और क्या प्रोसेस हुआ, मैंने उसको पढ़ा, है ना, जी जी उसको कुछ अर्थ दिया, मेरे लिए वो हाँ महत्वपूर्ण लगा, हाँ तो मेरे अंदर वो हुआ कि ये कहाँ से आई, है ना। तो फिर मैंने शरीर को कुछ संकेत किया, शरीर अपने आप तो नहीं मुड़ गया, हाँ मेरे कहने पे मिला। हाँ मैंने शरीर को संकेत दिया, ये भी मैंने, सही मेरा निर्णय था, इधर भी मेरा ही निर्णय था ना, कि मैंने उसको महत्वपूर्ण समझा और मेरे अंदर भी कुछ चल रहा होगा, है ना, कोई भाव होगा, एक पर्सन होगा जो कि बहुत आराम से घूम के देखता है, दूसरा होगा जो कि एकदम से ना उस घबराहट में पीछे मुड़ के देखता है ना। जी तो मैंने क्या अर्थ दिया उससे तय हुआ कि मेरा क्या भाव बना ये सारे प्रोसेस में, और मैं उससे या तो परेशान हुई या आराम में रही,
और फिर मैंने शरीर को कुछ संकेत दिया और शरीर फिर उसी हिसाब से मुड़ा, है ना। और फिर तो ये, मेरी इमेजिनेशन में चलने लगा। हाँ, इमेजिनेशन में बहुत कुछ चल ही रहा है, पूरा हाँ समय कुछ ना कुछ चल ही रहा है, हाँ लेकिन जो भी चल रहा था उसको हटा के हमने कुछ और चलाया, क्योंकि हमें वो आवाज सुनाई पड़ी और उसको हमने कुछ तरह का अर्थ दिया है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण थी तो इसलिए हमारा ध्यान उस पर गया, है ना। जैसे कि अभी कोई एयरपोर्ट के पास रहता जी है तो दिन भर प्लेन्स की आवाज आती रहती है, प्लेन्स उड़ते रहते हैं, प्लेन का टेक ऑफ लैंडिंग वो सब सुनाई पड़ता रहता है ना। जी अब कोई पहली बार ऐसी जगह में रहे तो उसको शायद नींद ही ना आए, ये क्या है, ये इतना शोर, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, ये आवाजें आती रहती हैं, है ना, हर बार उसका ध्यान उस पर जा रहा है ना। कोई और जो वहां रह ही रहा है, बहुत सालों से रह रहा है, उसके लिए तो आम बात है, रोज ही प्लेन उड़ते हैं, है ना, उसमें वो आराम से सो भी लेते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं लगती, है ना। हमने उसको एक तरह का अर्थ दिया, हम आराम में बने रहे और हम सो भी पाए उसमें, ठीक है। जी कोई माँ है, एक स्टडी करे थे कि जैसे नर्सरी में जब बच्चे पैदा होते हैं ना, नर्सरी में उन सबको रखा जाता है, तो ये देखने में आया उस स्टडी में के बच्चे बहुत से हैं, बच्चे रो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रो रहे होते हैं, बहुत सारे नहीं भी रो रहे होते हैं, है ना। अगर कुछ एक कमरे में 40 बच्चे के करीब हैं, अब उसमें से कुछ बच्चे रो रहे होंगे, कुछ नहीं रो रहे हैं। माँ ने जब बिना देखे भी आवाज सुनी, तो जब माँ का बच्चा रोया तब वो दौड़ के आई, लेकिन बाकी बच्चे रो रहे थे, रोने की आवाजें आ रही थी, उस पर माँ ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, दिन भर वही चल रहा था, ऐसा भी पाया गया। तो क्या हुआ, संवेदना तो उसी प्रकार की थी भाई, बच्चे रो रहे हैं, कुछ ध्वनि पड़ रही है ना, शरीर पर प्रभाव उठ रहा है, संवेदना उठ रही है। हमने चूज किया, हमने डिसाइड किया किसको पढ़ना किसको नहीं पढ़ना, कौन सी संवेदना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उस पर ध्यान देते हैं, जी ठीक है ना। जी और एक एग्जाम्पल दूं, जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो नाइट कॉल वगैरह होता था, है ना, तो जी फोन पे मैसेज आएगा, मैसेज क्या मतलब, फोन कॉल आएगा, कोई बात करेगा, कोई कहेगा कि भाई ऐसे ऐसे डिलीवरी है और पीडियाट्रिशियन की जरूरत है, आप आ जाओ, तो मैं उठ के तैयार होके चल दूंगी, ठीक है। अब फोन की घंटी बजी, है ना, तो मैंने उसको कुछ अर्थ दिया, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने उसको सुना, ठीक है ना। लेकिन बाहर इतने सारी और आवाजें थी, शोर हो रहा था, क्योंकि मेरा मेरा उस पर ध्यान ही नहीं गया, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं था। जो अपने लिए महत्वपूर्ण है हम उस पर ध्यान देते हैं, उस संवेदना को हम पढ़ते हैं, कुछ अर्थ के साथ हम ना, हमने कुछ अर्थ दिया हुआ है, इसीलिए हम सबसे पहले तो उसको निर्णय पूर्वक पढ़ते हैं, वरना तो हम पढ़ते भी नहीं है, कितनी हाँ, सारी संवेदनाएं होती हैं, है ना। बार बार वो क्लिक करती रहती है ना, बहुत सारा चलता रहता है, ये भी वो भी इधर उधर सब। तो जी जिसको हम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण देते हैं उसी को हम
पढ़ते हैं, अदर को नहीं हम पढ़ते, सही है ना दीदी? हाँ मतलब हमको महत्वपूर्ण लगा इसलिए हमने पढ़ा, जो हाँ इसलिए पढ़ा। महत्वपूर्ण नहीं लगा उसको हमने, उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, है ना। जी। और जैसे घर में खाना तो हम पका रहे हैं, हमें पता है कि हमें ही बंद करना है, और क्यों बंद करेगा? यहाँ पर फिर भाप के ऊपर बात आ जाती है ना दीदी? भाई क्या नहीं समझे मैं। खाना हम बना रहे हैं तो हमें आवाज आई कुकर की, तो हम ही बंद करेंगे क्योंकि हमने महत्वपूर्ण दिया उस आवाज को, मतलब हमने उसकी ना जिम्मेदारी, हमारी हमने दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है करके हमने हाँ जी, वो पहले से अर्थ दिया हुआ है ना, तो हाँ जी, जब वो हुआ तो हम, हमारा ध्यान उस पर गया। कोई और हो, 10 लोग और हो कमरे में, उनका शायद ध्यान भी ना जाए, इतनी जोर से हाँ कुकर की सीटी बजी। कितने जी, लोग हो सकते हैं जिनका जिनका उस पर ध्यान ही नहीं जाए, क्योंकि उन्होंने उस आवाज को महत्वपूर्ण नहीं माना है ना। जी वो संवेदना उससे जो ध्वनि से शरीर में उठी, उस पर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। हाँ दीदी, इतनी डीपली आप इतना अच्छा समझा रहे हैं ना कि एक एक शब्द को इतनी क्लैरिटी होगी हम लोगों को, तो हम फिर देखिए कितने हमारी जो सेल्फ है कितनी अवेयर होती है, क्योंकि एक एक पॉइंट को हम नोट कर रहे हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको एक बात कहूं, हाँ आपने कहा हमारी सेल्फ, मैं ही हूं मैं सेल्फ, है ना। हाँ हमारा मैं शरीर ठीक है ना, हाँ लेकिन जब हम कहते हैं हम, तो मैं ही सेल्फ हूं, मैं ही कॉन्शियसनेस हूं, है ना। वो सब हम, जैसे जैसे हमारा ध्यान जाएगा उस पर, वैसे वैसे और थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। ठीक, जी दीदी, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी। दीदी एक थोड़ा सा डाउट बन रहा था। जैसे मुझे ये बिल्कुल क्लियर है कि सेंसेशन को मैं अपनी मेरी चॉइस होती है पढ़ने की, कि मैं पढ़ना चाहती हूँ या नहीं। लेकिन सिर्फ एक जो प्रॉब्लम मेरे को आती है कि जब सर्दियों का मौसम होता है और ठंड बहुत बढ़ जाती है, जब जनवरी में एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो मैं चाहकर भी उस सेंसेशन को पढ़ने से रोक नहीं पाती हूँ। उसका जो बॉडी पे असर होता है, उसकी वजह से मेरी सारी एक्टिविटीज रुक जाती हैं और मैं कामों को अपने पोस्टपोन करती चली जाती हूँ। उसकी वजह से मैं परेशान भी होती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा टॉलरेंस लेवल है ही नहीं कोल्ड का। और कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि एक ही स्वेटर पहना होता है, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। और मेरे साथ ऐसा ही है कि गर्मियों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं एसी के बिना ही रहती हूँ, कभी एसी नहीं चलाती। लेकिन सर्दियों में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति में इस चीज का अलग अलग टॉलरेंस लेवल होता है। तो एक लेवल तक तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाता, बॉडी पे बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जी क्लैरिफाई। देखिए, संवेदना पढ़ने का पर्पस क्या है ना, उस पर अगर हम ध्यान हमारा जाएगा तो हमें दिखेगा कि हमारे अंदर एक तो ये बात है कि संयम का भाव है कि नहीं, है ना। हमने कुछ माना हुआ है या हमने कुछ जाना हुआ है, उसके बेसिस पर हम कुछ अर्थ देते हैं और फिर भाव विचार अपने अंदर चलाते हैं, ठीक है ना। इसमें जी मैं आपको दो पॉसिबिलिटीज पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, मैंने अपने आप को शरीर मान लिया और शरीर में कुछ संवेदना उठी, मुझे कुछ दर्द हुआ, है ना, मैंने उसको अर्थ दिया, दर्द है,
अब अगर मैंने अपने आप को शरीर मान लिया है तो मुझे लगेगा मुझे ही कुछ हो गया, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा घबरा जाऊं, पैनिक में आ जाऊं। अगर मुझे दिखेगा कि मैं शरीर से भिन्न हूं और मेरे अंदर संयम का भाव है, तो मेरे को ये दिखेगा कि ये जो संवेदना उठ रही है, ये शरीर में उठ रही है, इससे मुझे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो सूचना मिल रही है, वो ये है, मतलब जो मैं अर्थ उसको दे रही हूँ वो ये है कि शरीर में कुछ ना, सपोज जैसे बहुत ज्यादा ठंडी का मौसम है, वो संवेदना उठी, अब मेरे अंदर जो संयम का भाव है उसके तहत मैं शरीर का जो संरक्षण करना चाहती हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ उसको, है कि नहीं, तो उसके तहत मैंने कुछ निर्णय लिया कि भाई स्वेटर पहनो या ना दो स्वेटर पहन लो या जो भी है ना। हर एक की शरीर का बनावट भी थोड़ा थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा जैसे वात पित्त कफ, ये प्रकृति या ना दूसरे दूसरे मतलब हर शरीर में थोड़ा ये भिन्न हो सकता है, ये डिफरेंस हो सकता है। तो जिसमें वात प्रकृति ज्यादा है उसको ना वो शरीर के लिए वो ठंडक ज्यादा हानिकारक होगी। तो शरीर की बनावट एक तरह की, ये एक बात है, मैं परेशान हो रही हूं ये दूसरी बात है ना। तो संवेदना नहीं पढ़ना है ऐसा नहीं कह रहे, जहां महत्वपूर्ण लगता है वहां जरूर पढ़ें, ठीक है ना। पढ़ के हमने क्या उसको अर्थ दिया, क्योंकि हमने क्या माना हुआ है, उसके बेसिस पर हम अपना भाव विचार तय करते हैं और उसके बेसिस पर हम सुखी दुखी होते हैं। ये आगे जो इसी स्टेप में आगे बात होगी उसको और क्लियर करेंगे, कल शायद उसको ओपन करेंगे, ठीक है। ये कुछ इससे कुछ क्लैरिटी हुई। जी जी बिल्कुल सो संवेदना नहीं पढ़ना है ऐसा नहीं कह रहे, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि जो हम संवेदनाएं पढ़ रहे हैं उनके प्रति सजग हो जाएं और देखें कि हम क्या अर्थ दे रहे हैं। अल्टीमेटली ये सब जो हमारे अंदर चल रहा है ना, ये जैसे जैसे हम ध्यान देंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो सब चल रहा है इसी के तहत हम सुखी दुखी होते रहते हैं। तो जो अभ्यास एक में हम पूरा टाइम कर रहे थे वो अभी भी करते रहना है। अभ्यास एक में जो हम अपने अंदर चल रही कल्पनाशीलता पर ध्यान दे रहे थे, उसके प्रति सजग हो रहे थे, वो सब जो कर रहे थे वो अभी कंटिन्यू रह रहा है, और साथ में हम शरीर में क्या हो रहा है और हम शरीर के साथ कैसा आदान प्रदान कर रहे हैं, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब पर भी हमारा ध्यान जा रहा है। तो अगर मैं अपने अंदर स्थिर हूं, मेरे अंदर मेरा भाव विचार सही है, सही यानी सहज स्वीकृति के तहत है, तो मुझे ये दिखेगा कि भाई ये संयम के भाव के तहत मुझे शरीर का रक्षण करना है, तो मैं उस संवेदना को पढ़ के कुछ निर्णय बनाकर वो संकेत दूंगी शरीर को, प्रभावित से नहीं होंगी। लेकिन अगर मैंने कुछ और माना हुआ है तो हो सकता है कि ये सब जो संवेदनाएं उठ रही हैं उनसे मैं प्रभावित हो जाऊं। तो ये सब हम सजगता से देखें क्या हो रहा है, क्या हम अर्थ दे रहे हैं, ठीक है। जी दीदी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। दीदी पुनः नमस्ते। दीदी थोड़ा अभी ठीक है आवाज? वो मतलब यहाँ कैंपस में नहीं है सिग्नल कहीं कहीं, तो बस वो मेरा पक्का हो गया। एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट भी हो गया है कि बार बार सिग्नल आ रहा है जा रहा है,
मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आवाज ठीक है कि आपने हो बोला, और बाद में आपने बोला कि नहीं आवाज नहीं आ रही, गायब हो गया। तो इससे दीदी एक ये देख रहा है, जैसा ये अभ्यास 2 स्टेप 5 की 4थी, जो मतलब सेल्फ में जो उत्पन्न हो रहा है उसमें जो पहला दिया है शांत भाव, तो मतलब ये धीरे 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 अपने में आ जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है जी। दीदी बस इतना ही कहना था, ठीक है? मतलब नहीं, जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे। बोले ये बोलिए। जो फोर्थ ऑप्शन दिया है ना, इसमें बस हाँ इतना है कि हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर भाव बदलते रहते हैं, है ना। कभी हम शांत हाँ भाव में हैं, कभी हम परेशान हैं, है ना, कभी हम विरोध में हैं, ठीक जी है ना। तो जो भी हमारे अंदर भाव चल रहा है, जैसा भी भाव चल रहा है, उन सब का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और उसके तहत भी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, ये हम हाँ कहना शरीर का चाहते तो हैं। ठीक है दीदी, शरीर का एकदम क्लियर हो गया है उसमें तो अभी मैं इतना मतलब वो, लेकिन जो आपका संवेदना वाला भी जो था ना इमेजिनेशन, मतलब अपने इमेजिनेशन में भी जो होता है, तो धीरे धीरे ये लगता है कि जो गलत करना ही नहीं है, सही समझना है उसको, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, सही समझना तो है ही, उसी पर तो हमारा सारा काम चल रहा है ना। तो जी। समझेंगे समझेंगे तो हम सुखी रह पाएंगे, नहीं हाँ 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 समझेंगे, मान्यतावश हम कुछ भी मान लेंगे तो फिर हो सकता है हम कभी सुखी हैं कभी दुखी हैं, लेकिन हम चाहते तो हैं अरे पूरे टाइम सुखी रहना, उसके लिए बराबर क्या समझना वही पड़ेगा। जी जी दीदी जी, नमस्ते। बहुत ही डिटेल चल रहा है, अच्छा चल रहा है। नमस्ते सभी को, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो यही हमने पूरा हमारा जो कार्यक्रम है इस पर हम और अच्छे से ध्यान दें। मुझे लगता है 10th बैच में जितने लोग हैं, अगर वो अपनी शेयरिंग को थोड़ा बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। जो भी हमें दिखता हो, क्या है ना, हम एक बार जब शेयर करते हैं तो वो जो एक कई लोगों में हेजिटेशन होता है कि हम कहेंगे तो दूसरा क्या सोचेगा या दूसरा क्या कहेगा, इसको भी ध्यान दें। एक्चुअली इसका पर्पस क्या है मॉर्निंग एक्सरसाइज का, कि हम सब एक साथ ये काम जो कर रहे हैं इससे हम सब की समझ बढ़े और उसमें हम सब एक दूसरे को कैसे हम सहायता कर सकते हैं एक दूसरे की, वो हम करें। तो ये शेयरिंग जो है इससे बहुत एक तरह से ना हेल्प हो जाती है दूसरे को, कि किसी ने कुछ एग्जाम्पल दे दिया तो हमारा भी ध्यान उस एग्जाम्पल पर जाता है और हमें लगता है हाँ, ऐसा तो हमारे साथ भी होता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स रखें ताकि आपका ध्यान उस पर जाए और आप जो शेयरिंग दे रहे हैं, आपके साथ जो भी इंसिडेंट हो रहा है जिस पर आपका ध्यान जा रहा है, आप उसको जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस बात को ना समझ पाए और उनका ध्यान भी उस पर जाए। नमस्ते। नमस्ते दीदी। तो मेरा शेयरिंग ये है दीदी की संवेदना का निर्णय जो है वो संरक्षण में ले रहा हूँ, और जैसे स्रोत यहाँ पे बताए गए तो यहाँ पे जो स्रोत दिखाए गए उसी तरह से प्रैक्टिस करने से ये समझ में आ रहा है कि संवेदना तो हर क्षण सेल्फ में, मतलब संवेदना शरीर में तो हर क्षण होती है, लेकिन जब भी हम जिस क्षण जिस चीज को प्रायोरिटी समझते हैं और जिस खेल को हम लोगों ने सोचा है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तभी ये चीज को हम इम्पोर्टेंस दे के अपने सेल्फ को कहते हैं कि तुम्हें ये निर्णय करना है। जैसे मेरे को, एक सेकेंड, इसमें भी हाँ, आप बोलिए दीदी, मैं कुछ गलत बोला था? गलत की बात नहीं, हम उसको देखें, हाँ, उस पर हमारा ध्यान जाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमने कहा, मैंने अपने सेल्फ को कहा, अब मैं कौन हूँ, इस पर भी ध्यान जाए, है ना। हाँ
हाँ क्या होता है ना, ये बहुत गहरा संस्कार हम सब में होता ही है शुरुआत से कि हम शरीर हैं। तो हमें लगता है कि हम वहां से जब देखते हैं तो हमें लगता है सेल्फ कुछ और है ना। तो हम क्यों उसको बार बार करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा ध्यान उस पर जाए कि मैं हाँ ही हूं, है ना, हाँ और शरीर और एक मुझसे भिन्न इकाई है। इस हाँ बात पर हमारा ध्यान जाए, इसलिए हम बार बार उसको हाँ बोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप कंटिन्यू रखिए प्लीज। दीदी, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि मैंने यूएचबी ज्वाइन नहीं किया था, तब 2020 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं अपने आप से बात करके मुझे इतना पता चल रहा था कि मैं शरीर तो नहीं हूँ, वो इतना मुझे पता नहीं, मेरी पढ़ाई बहुत है, मतलब मैं पढ़ाई कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, तो वो मुझे समझ में आ रहा था कि मैं जो हूँ और शरीर, मतलब मैं अकेला चीज तो नहीं हूँ, मतलब देर इज समथिंग इज जो है वो मुझे समझना है, तो वो मैं समझ रहा था। तो ये सारी एक्सरसाइज करते करते मुझे ये चीजें समझ में आ गई कि हम जब किसी चीज का निर्णय लेते हैं जो वो संवेदना के ऊपर रहता है, और इसमें जो चीज बताई गई है वैसे ही हमारी चीज, हमारी कल्पनाशीलता में वो मान्यता या सहसित्रु के तौर पर के तय हम लोग, हमारे यहाँ होता है लेकिन हमको पता नहीं होता। तो जैसे इसका मैंने मतलब, आई एम सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, समय एक्चुअली हो चला, तो हाँ ठीक है ठीक, अगर आप कहें तो हम इसको कल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ये? हाँ ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मतलब एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये संवेदना है तो ये स्टेप से ये संवेदना को पढ़ने के पीछे का मैं जो तो अर्थ रहे उसको एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ दीदी। शुक्रिया बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही है जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं, हम ये सबके प्रति, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है इसके प्रति सजग हो जाएं। तो ठीक है, हम यही आज भी यही ऑब्जर्वेशन करेंगे कि दिन भर में हमें देखना है, आज संडे का दिन है, सबके पास समय होगा, ध्यान दें इस बात पे कि कितनी सारी संवेदनाएं शरीर पर उठ रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान कोई पर्टिकुलर संवेदना पर जाता है एक किसी क्षण में, और उस समय हम ये देखें कि इसका सोर्स क्या था, ये कहाँ से आई, और उसको मैंने क्या अर्थ दिया, मैंने कुछ अर्थ दिया है ना। फिर आगे हम देखेंगे कि वो अर्थ जो दिया उसके तहत हमारे अंदर भी कुछ चला, कोई भाव विचार उठा जिससे कि हम सुखी दुखी हुए, उस पार्ट को हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी एटलीस्ट हमारा इस पर ध्यान जाए कि हम निर्णय पूर्वक कुछ चीज को पढ़ते हैं, भले ही हम उसके प्रति सजग हो ना हो। जैसे जैसे हमारी सजगता बढ़ेगी वैसे वैसे हमें दिखेगा कि हाँ, निर्णय तो मैं ही ले रही हूँ, और जो भी वो संवेदना जिसको भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम कुछ अर्थ दे रहे हैं। ये इस पर ध्यान जाए, कल इस पर और चर्चा करेंगे। जी परीक्षित भैया।